सो गाइज, अभी तक हमने रैंडम फॉरेस्ट का बेसिक इंट्यूशन लिया कि एल्गोरिदम कैसे काम करता है. मैंने आपको एक स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल भी दिखाया. इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रैंडम फॉरेस्ट क्यों अच्छे से काम कर पाता है, क्यों उसका परफॉर्मेंस बाकी के एल्गोरिदम्स के कंपैरिजन में अच्छा होता है. उसका रीजन छुपा है बायस वेरियंस ट्रेड ऑफ में. आई होप आपने अभी तक इस टॉपिक के बारे में पढ़ लिया हो. अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको शॉर्ट समरी देता हूँ पूरे टॉपिक का. दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं मशीन लर्निंग में, बायस एंड वेरियंस. बेसिकली आपका मशीन लर्निंग में आपको एरर मिलता है, आपके मशीन लर्निंग मॉडल एरर देते हैं, ठीक है. तो वो एरर जो होता है वो दो चीजों से बना होता है, एक होता है बायस और दूसरा होता है वेरियंस, ठीक है. बायस क्या होता है? बायस उस चीज को बोला जाता है कि जब एक मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेनिंग डेटा के ऊपर अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता, ठीक है. मतलब आपका एक मशीन लर्निंग मॉडल है, उसने ट्रेनिंग के प्रोसेस में ही बहुत अच्छे से सीखा नहीं, मतलब ट्रेनिंग डेटा पे अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा, इसका मतलब उसका बायस हाई होगा, ठीक है. सेकंड होता है वेरियंस. वेरियंस क्या होता है कि कभी कभी आपका मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेनिंग डेटा के ऊपर बहुत अच्छे से सीख जाता है और रट लेता है, बेसिकली ट्रेनिंग डेटा के पैटर्न्स को रट लेता है, जिसकी वजह से जब आप उसको नया डेटा देते हो तो उसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होता. तो बेसिकली अगर आप डेटा में थोड़े भी चेंजेस करोगे, आपके मशीन लर्निंग मॉडल का आउटकम अच्छा नहीं आएगा. दिस इज कॉल्ड हाई वेरियंस, ठीक है. तो आपको मशीन लर्निंग में हमेशा ट्राई करना होता है कि आप लो बायस रखो. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको हमेशा लो बायस और लो वेरियंस चाहिए होता है. बट देर इज अ प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम इज दिस कि इन दोनों के बीच में, बायस और वेरियंस के बीच में, एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है. मतलब अगर आप एक को घटाने जाओगे तो दूसरा बढ़ जाता है, ठीक है. एंड दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ द मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स दे स्ट्रगल विद द बायस वेरियंस ट्रेड ऑफ. एक एरर को घटाने जाते हैं तो दूसरा बढ़ जाता है. इसीलिए मोस्टली जो आपके पास मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स होते हैं वो दो क्लासेस में डिफाइंड है, ठीक है. पहला क्लास होता है लो बायस हाई वेरियंस एल्गोरिदम्स. मतलब एक ऐसा एल्गोरिदम जो ट्रेनिंग डेटा के ऊपर बहुत अच्छे से रिजल्ट दे पा रहा है, बट नए टेस्ट डेटा के ऊपर उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पा रहा है. इन एल्गोरिदम्स का एग्जांपल है फुली ग्रोन डिसीजन ट्री. एक ऐसा डिसीजन ट्री जहां पे आप मैक्स डेप्थ को कैप नहीं कर रहे, ठीक है, फुली ग्रोन डिसीजन ट्री. सेकेंड है एसवीएम, भी कभी कभी ये बिहेवियर शो करता है. केएनएन, जब आपके नियरेस्ट जो नंबर ऑफ नेबर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं. फिर एक सेकेंड क्लास ऑफ एल्गोरिदम्स इज जब आपके पास हाई बायस होता है बट लो वेरियंस होता है. इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लीनियर रिग्रेशन एंड इन सर्टेन केसेस लॉजिस्टिक रिग्रेशन ऑल्सो. बट कभी भी आपको ये कॉम्बिनेशन नहीं मिल पाता जो आपको चाहिए है, जहाँ पे बायस भी कम है और वेरियंस भी कम है. यहीं पर आपको हेल्प करता है रैंडम फॉरेस्ट. रैंडम फॉरेस्ट की खासियत क्या है कि अगर आप इसको एक लो बायस हाई वेरियंस एल्गोरिदम दोगे तो ये उसको कन्वर्ट कर देगा इनटू अ लो बायस लो वेरियंस एल्गोरिदम. इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह के एल्गोरिदम के ऊपर रैंडम फॉरेस्ट क्या करता है कि उसके बायस को एज इट इज रखते हुए वेरियंस को रिड्यूस कर देता है, ठीक है. अब ये समझते हैं कि ऐसा कैसे होता है, ठीक है. सो इसका आंसर छुपा है इसकी वर्किंग में, ठीक है. मैंने आपको समझाया था कि ये काम कैसे करता है. आप क्या करते हो, आप कुछ बेस मॉडल्स ले लेते हो और ये सारे बेस मॉडल्स एक्चुअली डिसीजन ट्रीज होते हैं और ये फुली ग्रोन डिसीजन ट्रीज होते हैं. फुली ग्रोन डिसीजन ट्रीज है मतलब हर कोई लो बायस है और हाई वेरियंस है. यहाँ पर हर मॉडल लो बायस है, हाई वेरियंस है. ट्रेनिंग डेटा पे कोई गलती नहीं करेगा, नए डेटा पे गलती करेगा, राइट. अब आप क्या करते हो, आप अपने डेटा को पकड़ते हो, ये आपका डेटा है, और इसका एक सबसेट फीड कराते हो हर एल्गोरिदम को. मान लो अगर यहाँ पे 10K रोज थे, 10,000 रोज थे, तो हो सकता है आप सभी को 1K रोज दे रहे हो, मतलब 1,000 रोज दे रहे हो. अब ये मॉडल्स ट्रेन होते हैं. अब सिंस ये डिसीजन ट्रीज हैं इंटरनली, अभी भी जो आउटकम है वो लो बायस ही रहेगा. बट लेट्स थिंक कि वेरियंस के साथ क्या होगा. सो वेरियंस के साथ कुछ इंटरेस्टिंग होता है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मान लो आपने क्या किया, आपने इन 10K पॉइंट्स में 100 पॉइंट्स को रिप्लेस कर दिया. और रिप्लेस कैसे पॉइंट से किया, ऐसे पॉइंट से किया जो बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है, नॉइजी है, आउटलायर्स है, ठीक है. मतलब आपने डेटा में चेंजेस किए. अब ऑब्वियसली अगर आपने डेटा में चेंजेस किए होते
और आपके पास एक सिंगल डिसीजन ट्री होता तो वेरियंस हाई रहता, बट सिंस आप रैंडम फॉरेस्ट यूज कर रहे हो, कलेक्शन ऑफ ट्रीज यूज कर रहे हो, अब क्या होगा कि अब जब आप रैंडमली डेटा भेजोगे तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 100 के 100 नॉइजी पॉइंट्स किसी एक सिंगल डिसीजन ट्री को मिलेंगे, क्योंकि आप तो रैंडमली ड्रॉ कर रहे हो। तो ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट वाले को 10 नॉइजी पॉइंट्स मिले, दूसरे वाले को 5 मिले, तीसरे वाले को एक भी नहीं मिला, अगले वाले को 15 मिला। सो 100 पॉइंट्स का जो इम्पैक्ट पहले एक डिसीजन ट्री को झेलना पड़ रहा था, अब ऐसा किसी भी डिसीजन ट्री को नहीं झेलना पड़ रहा। सो वो जो आउटलायर्स का इम्पैक्ट है, नॉइजी पॉइंट्स का इम्पैक्ट है, वो अब डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से वीक हो गया। सो दैट इज वाई पहले जो रिजल्ट आ रहा था और इन पॉइंट्स को लाने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, और बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होने का मतलब है आपने वेरियंस को रिड्यूस कर दिया, वेराइटी को रिड्यूस कर दिया, और इसकी वजह से अब जो आपका ये ओवरऑल मॉडल बनेगा, ये जो ओवरऑल मॉडल बनेगा ये लो बायस होगा, लो वेरियंस होगा। सो इन शॉर्ट रैंडम फॉरेस्ट इसलिए अच्छा परफॉर्म करता है क्योंकि ये आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करके देता है बायस वेरियंस ट्रेड ऑफ का, विच सेज कि आप बायस और वेरियंस दोनों को नहीं घटा सकते बिकॉज दोनों के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप है। बायस को घटाओगे वेरियंस बढ़ जाएगा, वेरियंस को घटाओगे बायस बढ़ जाएगा। बट इस टेक्निक को यूज करके आप बायस को लो रखते हुए वेरियंस को भी लो कर पा रहे हो। आई होप आपको ये पूरी चीज समझ में आ रही है, ठीक है। अब मैं आपको इसका एग्जैक्ट एग्जाम्पल दिखाता हूँ एक ग्राफ के थ्रू प्लॉट करके। मेरे पास एक डेटा सेट है जो कि मैंने खुद से जनरेट किया है यूजिंग द मेक सर्कल्स फंक्शन, और लेट मी शो यू फर्स्ट। इस डेटा सेट में 500 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, और ये डेटा सेट ऐसा दिखाई देता है। इट इज अ क्लासिफिकेशन डेटा सेट फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब इसमें 2 क्लासेस हैं, येलो क्लास पर्पल क्लास, और ये डेटा थोड़ा सा इस तरीके का है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल टाइप का, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं पहले इसके ऊपर डिसीजन ट्री अप्लाई करूंगा और मैं डिसीजन ट्री को ये टास्क दूंगा कि उसको दोनों लेबल्स के बीच में क्लासिफाई करना है, डिसीजन बाउंड्री क्रिएट करनी है, और वो सेम काम फिर मैं रैंडम फॉरेस्ट से करवाऊंगा और मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हमने एक डिसीजन ट्री एल्गोरिदम को इम्पोर्ट किया, उसका ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैंने क्या किया, डिसीजन बाउंड्री को प्लॉट किया, एंड दिस इज अ फुली ग्रोन डिसीजन ट्री, दिस इज अ फुली ग्रोन डिसीजन ट्री, एंड यू कैन सी ये ग्राफ को देखते ही आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर ये जो एल्गोरिदम है ये लो बायस हाई वेरियंस है। कैसे, देखो आप ये जो रीजन्स देख पा रहे हो जहाँ पे ये लंबे लंबे लाइन्स येलो कलर के बन रहे हैं, वो देख के समझ में आ रहा है कि दिस एल्गोरिदम इज ओवरफिटिंग, ओवरफिटिंग इन द सेंस लो बायस है हाई वेरियंस है। अब ये देखो ये जो येलो रीजन है ये वाला, ये सिर्फ इसलिए येलो है क्योंकि ये एक सिंगल येलो पॉइंट यहाँ पर था। सिमिलरली अगर आप ये येलो रीजन देखो तो ये येलो रीजन सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि यहाँ पर एक येलो पॉइंट, एक सिंगल येलो पॉइंट। बट आपको क्लियरली देख के समझ में आ रहा है कि वो जो रीजन है वो पर्पल होना चाहिए था क्योंकि बाकी के जो पॉइंट्स उस रीजन में है वो सारे के सारे पर्पल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एल्गोरिदम है ये ट्रेनिंग डेटा के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, मतलब बायस कम होगा। बट जरा सा आप इस डेटा को चेंज करो, नया डेटा को लेके आओ जो सिमिलर पैटर्न का डेटा हो, आपका रिजल्ट बहुत खराब आने लग जाएगा, नए डेटा पे आपका रिजल्ट वेरी करने लग जाएगा, मतलब वेरियंस जो है वो हाई है, ठीक है। एंड दैट इज द प्रॉब्लम विद फुली ग्रोन डिसीजन ट्रीज, दे ओवरफिट, दिस इज ओवरफिटिंग ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। अब हम इस जगह पर रैंडम फॉरेस्ट अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या चेंजेस आएंगे। सो मैं नीचे गया और मैंने रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर को इम्पोर्ट किया, मैंने 500 डिसीजन ट्रीज को ट्रेन किया इन साइड द रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, और उसका जैसे ही मैंने डिसीजन बाउंड्री प्लॉट किया, यू वुड सी द चेंज। ये देखो गाइज, दिस इज द चेंज, यू कैन सी। अब ये जो ग्राफ है इसको देख करके समझ में आ सकता है आपको कि ये लो बायस और लो वेरियंस है। एक्चुअली थोड़ा सा बायस बढ़ा है, थोड़ा सा ट्रेनिंग डेटा पे एरर बढ़ा है, आप इन येलो पॉइंट्स को भी पर्पल बता रहे हो, थोड़ा सा ट्रेनिंग एरर बढ़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, बट आपका जो टेस्टिंग एरर है, जो वेरियंस है, वो काफी रिड्यूस हो जाएगा। ये जो फालतू के येलो रीजन्स बन गए थे ये सारे हट गए हैं, और आपका जो मॉडल है वो डेटा का जो ट्रू नेचर है उसको कैप्चर कर पा रहा है। डेटा का ट्रू नेचर क्या है कि येलो पॉइंट्स पर्पल पॉइंट्स के अंदर है,
ये एग्जैक्टली वही चीज बता रहा है, एंड दैट इज वाई रैंडम फॉरेस्ट इज सच अ ग्रेट एल्गोरिदम, क्योंकि वो एक लो बायस हाई वेरियंस एल्गोरिदम को कन्वर्ट कर देता है इनटू अ लो बायस लो वेरियंस एल्गोरिदम। ठीक है, ये सेम एग्जांपल मैं आपको रिग्रेशन के ऊपर भी दिखा सकता हूँ। सो मैंने एक डेटा जनरेट किया एक पॉइंट, दिस इज द डेटा बाय द वे। सो यू कैन सी ये पॉइंट्स हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही इनपुट कॉलम है और एक आउटपुट कॉलम है, रिग्रेशन प्रॉब्लम है ये। ये जो रेड कलर का आपको कर्व दिखाई दे रहा है, ये इस डेटा का ट्रू पैटर्न है, ट्रू नेचर है। इसी कर्व को यूज करके मैंने डेटा जनरेट किया, बेसिकली रैंडम नॉइज ऐड करके। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे रिग्रेशन अप्लाई करना है। तो पहले मैं डिसीजन ट्री रिग्रेसर आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, और ये मैंने डिसीजन ट्री रिग्रेसर अप्लाई किया, एंड यू कैन सी यहाँ पे जो ग्रीन कलर का कर्व है जो कि बहुत ही ऊपर नीचे हो रहा है, ये हमारा डिसीजन ट्री रिग्रेसर है जो इस डेटा का ट्रू नेचर फाइंड करने का ट्राई कर रहा है। बट यू कैन सी बहुत अच्छे से वो काम नहीं कर पा रहा, मतलब यू कैन क्लियरली सी कि हर पॉइंट को टच करने का ट्राई कर रहा है, मतलब ट्रेनिंग एरर को रिड्यूस करने का ट्राई कर रहा है, मतलब लो बायस रखने का ट्राई कर रहा है। बट अलोंग द वे क्या गलती कर रहा है कि एक्सट्रीम पॉइंट्स को भी टच करने जा रहा है, और जिसकी वजह से जब नए पॉइंट्स आएंगे वहां पे गलती होने लग जाएगी, मतलब वेरियंस हाई हो जाएगा। जैसे कि ये पॉइंट देखो, अब ये पॉइंट एकदम ही आउटलायर है, नॉइजी पॉइंट है, बट आपका मॉडल उसको भी टच करने चला गया, उसके भी पास से गुजरने चला गया। सिमिलरली ये सब ऊपर के पॉइंट्स देखो, ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट मिस किया लेकिन नीचे के पॉइंट्स देखो। सो इन शॉर्ट ट्रेनिंग एरर इज लो, टेस्टिंग एरर इज हाई। ठीक है, अब ये सेम काम अगर हम रैंडम फॉरेस्ट से करवाएं, और यहाँ पे मैंने 1000 डिसीजन ट्रीज को ट्रेन किया है साथ में, और ये देखो गाइस थोड़ा सा स्मूदनिंग हुआ। ठीक है, और आपका अब ये जो कर्व है ग्रीन वाला वो रेड के थोड़ा क्लोज से गुजर रहा है, वेयर एज यहाँ पर अगर आप देखो तो आपका ग्रीन कर्व रेड से काफी डेविएट कर रहा है, जिसकी वजह से आपका मीन स्क्वायर्ड एरर भी काफी हाई है, 22.7 के अराउंड। ठीक है, वेयर एज यहाँ पर आप देखो कि आपका ग्रीन कर्व फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सट्रीम पॉइंट्स को टच नहीं कर रहा, रुक जा रहा है। ठीक है, और सेकेंड रेड वाले कर्व के आस पास रहने का ट्राई कर रहा है। तो क्लियरली यू कैन सी रैंडम फॉरेस्ट इज मच बेटर इन कंपेरिजन टू डिसीजन ट्रीज। इनफैक्ट आप क्वांटिफाई भी कर सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका मीन स्क्वायर्ड एरर जो है वो सिर्फ 15 है इन कंपैरिजन टू 22 जो डिसीजन ट्री के केस में था। सो मीन स्क्वायर्ड एरर कम से कम मतलब उतना अच्छा। ठीक है, सो या गाइस दिस इज व्हाट आई वाज गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो कि रैंडम फॉरेस्ट क्यों अच्छे से काम करते हैं, उनका रीजन क्या है अच्छे से काम करने का। आई होप मैं आपको समझा पाया। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।